ऑपरेशन लोग सारे दिन साहब जो रेजिग्नेशन देकर गए, मैं बताना चाहूंगा कि अच्छी बात है वो चले गए, क्योंकि गद्दारों की जरूरत कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है। तो प्रेसिडेंट बनाया गया ये दर्शाता है कांग्रेस की नई सोच को, क्योंकि गद्दारों की जरूरत कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है। चाहूंगा कि अच्छी बात है वो चले गए, क्योंकि गद्दारों की जरूरत कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है। फिर सड़कों पे और पूरे दम के साथ आएगी और मुझे पूरा नमस्कार। टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। आपको बताते चले ये रैली आप देख रहे हैं विकास रसूलवानी जी, बिल्कुल जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट बने हैं उसी के चलते ये रैली जो है निकाली गई और वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं विकास रसूलवानी जी बिल्कुल डोगरा चौक की तस्वीरें हम आपको दिखाने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सिपाही सड़कों में है और राहुल जी के सिपाही सड़कों में भी आगे बढ़ो। कोई आए जाए मतलब राहुल जी आगे बढ़ो, कांग्रेस ही है वो देश की सेवा, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ सड़कों में रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाएंगे। जय हिंद राहुल गांधी। आए देखे हम मैडम हमारे आए हुए हैं, भारी संख्या में लोग हमारे साथ चल रहे हैं। ये आने वाले समय में आपको जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की सरकार दिखेगी। और एक शेर अर्ज करना चाहूँगा मैडम के लिए, मैडम जी आपकी आने की आस है, ना जाने भाजपा सरकार क्यों उदास है, बहकी बहकी हवाएं कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यही कहीं आस पास है। बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना कि इनका कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो जल्द ही दिखेगी जी, बिल्कुल जल्द ही। इनका कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जल्द ही आएगी जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब भाजपा जो है भाजपा सरकार जो है वो अब हट जाएगी और कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी का राज आप देखने को मिलेगा। आप स्वागत कितना लोगों ने बड़े प्यार से किया और बड़े जोश के साथ किया। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रोल यहाँ पर अदा करेगी और बस्ती इकतदार लाने में रियासत का दर्जा वापस ले, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हो, दूसरे जो दिख रहे हैं नौजवानों के जो नौकरियाँ जा रही हैं उसको वापस ला पाए। साफ तौर पर आपने सुना कि रमन भल्ला जी का क्या कुछ कहना है, वहीं पर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो जी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस तरीके से विकास रसूलवानी का भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव कांग्रेस अपने दम से लड़ेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ईमानदार लोगों को लाएगी, नए लोगों को लाएगी, जहाँ जहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहाँ पे हम नए लोग लाएंगे और इंशाल्लाह कांग्रेस जो है सबसे आगे रहेगी, नंबर वन पार्टी बन के रहेगी। कांग्रेस जो है टूटी जा रही है, कांग्रेस पार्टी नंबर वन। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नंबर वन पर रहेगी। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार अब जल्द ही हट जाएगी और कांग्रेस पार्टी जो है अपना राज जमाएगी जी, बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, रैली यहाँ पर भव्य स्वागत जो है विकास रसूलवानी का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, आप साफ तौर पर ये रैली देख सकते हैं। Oh, yeah.
राज्यसभा मेंबर रवनी पाटिल जी और जम्मू कश्मीर प्रभारी हैं, वो आज जम्मू पहुंची है एयरपोर्ट से लेकर अभी आज तक अभी तक लोगों का चोर तक भव्य स्वागत अलग अलग जगह देखने को मिला। ये सारे लोग विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। और कांग्रेस कांग्रेस ने नए अध्यक्ष बने हैं आपके, जम्मू कश्मीर के वकार रसूल वानी, कैसे वो अब नई टीम को फॉर्म करेंगे और किस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात जो राहुल जी ने कहा कि नौजवानों को मौका मिलेगा, और वो नौजवान आज प्रदेश का अध्यक्ष है, और प्रदेश का अध्यक्ष अब नौजवान है, और जो जातियां प्रदेश के अंदर हुई हमारे यहाँ पे हुई है, उसका जवाब वानी साहब देंगे। और वानी साहब के साथ NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, सारे जो है NSUI के साथ है। भारत माता की, भारत माता की। जितना स्क्रैप हुआ है FFA वालों का और SI वालों का, जितने भी स्कैम हुआ है, उन सबको आगे लेकर हम एक जस्टिस की तरफ जाएंगे। और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जोरों शोरों से फिर सड़कों पे और पूरे दम के साथ आएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि वकार रसूल वानी जी, जो एक युवा नेता है, इतनी कम उम्र में उन्होंने असेंबली से लड़ा, उन्होंने MLA बने, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर बने, तो मैं
जनता को, और आप देखेंगे जिस हिसाब से भीड़ आई है वो ये दर्शाती है कि कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है। और जो मौका प्रस्त लोग ताराचंद साहब जो रेजिग्नेशन देकर गए, मैं बताना चाहूंगा कि अच्छी बात है वो चले गए, क्योंकि गद्दारों की जरूरत कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है। वो मौका प्रस्त लोग हैं, मौका देख के वो निकल गए हैं। इन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने, गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके लिए भी बहुत कुछ किया, तो आप उन्हें गद्दार कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने किया, बट जब मुश्किलों की घड़ी आई तब आजाद साहब मौका प्रस्त होकर बीजेपी की तरफ जाने की उन्होंने कोशिश की। और देखिए आप जो आजाद साहब एक पार्टी बना रहे हैं, वो ग्रुप बी बन चुका है बीजेपी का। तो साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी सरकार में जाएंगे? जी, वो ग्रुप बी बन चुका है, जो बी टीम बन चुकी है आजाद साहब की। और मैं आजाद साहब को और जितने भी टीम क्विट करके चले गई है उनको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सड़कों पे आ गई है, वो पूरा दम के साथ आगे भी लड़ती जाएगी। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपने सुना, गुलाम नबी आजाद की बात करें तो साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि वो गद्दार है, जब मुश्किल समय पर उनकी जरूरत थी तो उन्होंने दामन जो है कांग्रेस पार्टी का छोड़ दिया। और आपको फिर मैं ये बताना चाहूंगी कि साफ तौर पर नबी आजाद साहब को गद्दार कहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। वहीं पर आप जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी कि विकास रसूल जो प्रेसिडेंट जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका भव्य स्वागत किया गया, किस तरीके से भव्य स्वागत किया, साफ तौर पर आपने तस्वीर दिखाई, आपको तस्वीरें दिखाई। और आपको बताते चले कि एयरपोर्ट से डोगरा चौक में वो पहुंचे हैं, और डोगरा चौक की हमने आपको छोटी सी तस्वीरें दिखाई हैं। आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरामैन राकेश।